नमस्कार, बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी के इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ पारुल। खबरों की शुरुआत करेंगे। राष्ट्रपति भवन में 2020 के पद्म विभूषण वितरण समारोह का आयोजन हुआ। राष्ट्रपति ने 141 विभूतियों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहे। पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली और सुषमा स्वराज को मरणोन परांत पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया। एक्ट्रेस कंगना रनौत और सिंगर अदनान सामी को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। करण जौहर, एकता कपूर और दिवंगत गायक एसपी बाला सुब्रमण्यम समेत कुल 102 लोगों को पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया। इनके अलावा 10 पद्म भूषण और 7 लोग पद्म विभूषण से सम्मानित हुए। सम्मान पाने वालों में 29 महिला और एक ट्रांसजेंडर शामिल हैं।